तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो बोट का एयरडॉप्स 441 है, सिंगल बर्ड्स हैं, वो एक इसके साथ दोनों मोबाइल में काम करेगा। फिलहाल देखिए, अभी ये किसी के साथ पेयर नहीं है, अभी मैं आपको इसको पेयर करके दिखाता हूँ। मेरे पास दो मोबाइल है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके साथ पेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे ब्लूटूथ की सेटिंग में और यहाँ से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा और यहाँ पर एक कोड आ जाएगा या तुरंत उसको पेयर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और ये हमारा ये पेयर हो गया। तो देखिए लाइट ब्लू ब्लिंक करना बंद कर दी, इसका मतलब कि यहाँ पर ये पेयर हो गया। ये देखिए बैटरी भी आपको दिख रही है 100%। और अब मैं आपको इससे कनेक्ट करके फिर दोनों से अलग अलग साउंड सुनाऊंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आएगी ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं आपको इससे कनेक्ट करके इसको दिखाता हूँ। इसको इससे कनेक्ट करने का थोड़ा ट्रिक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कनेक्ट किया है, उसके बाद आपको बताऊँगा कैसे ये सिंगल डिवाइस में कनेक्ट होगा। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है एयरडॉप्स 441 100% बैटरी। और वहीं इसमें भी आपको दिखा दूँ कि एयरडॉप्स 441। अब ये मेरे पास एक ही है, ऐसा मत समझना कि मेरे पास ये दो है, मेरे पास ये सिंगल ही है, दूसरा और कहीं नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे। चलिए यूट्यूब पर मैं आपको ये वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है, अभी आप देखो इससे आपको साउंड सुनाता हूँ। पर ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे डाल, आपको आवाज आ रही होगी। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो यहाँ बहुत सारे बोर्ड के, अभी मैं इसे इसको पॉज करूंगा तो आप समझ जाना। ये देखो ये पॉज हो गया, प्ले, ठीक है। अभी मैं इस पे भी यूट्यूब चलाता हूँ, तो जैसा कि मेरी ये वीडियो प्ले चल रही है, और ये आपको लेफ्ट वाले से साउंड सुनाता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं आपको राइट वाले से भी सुना के दिखा देता हूँ। ये राइट में आवाज़ तेज होगी। अब ये दोनों वीडियो मेरी प्ले हो रही हैं, अब इस वाले से आपको राइट वाले से सुनाता हूँ और इस वाले से आपको लेफ्ट वाले से, दोनों में अलग अलग आवाज़ आ रही होगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोनों बर्ड, दोनों वीडियो प्ले हो रही है, नीचे भी अलग वीडियो प्ले हो रही है और ऊपर भी, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर अगर आपको, सॉरी ये नीचे वाली वीडियो का, आई थिंक दोनों में आवाज क्लियर होगी, एक इधर आवाज ऐसा ही दिया जाता है, कुछ समय बाद अपने आप मीटर जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इनवॉइस कहाँ से डाउनलोड करनी है। अमेजोन पे अमेजोन को ओपन करना है और आपके यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में जाना है, ठीक है, और रिसेंट में आपने जो भी परचेसिंग वगैरह की है तो वो सब लिस्ट यहाँ आ जाएगा। हम दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ कनेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा इससे वन टच से तो ये वीडियो पॉज हो जाएगा। ये देखिए पॉज हो गया इस वाले से और ये बंद हो गया, इसकी टाइमिंग खत्म हो गई है। और इस वाले से ये वाला, तो यहाँ ये पॉज हो गया। तो दोनों से अलग अलग काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कैसे इसको कनेक्ट करना है आप बेहतर समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसको कनेक्ट करने के पीछे का एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, दोनों को अगर आप सिंगल पेयर करना चाहते हैं दो मोबाइल के साथ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले किसी एक डिवाइस के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको इसको लेकर कुछ दूर जाना होगा ताकि जो इसकी रेंज है ब्लूटूथ की लगभग 10 मीटर, उस रेंज के बाहर जाएंगे तभी आपका दूसरा दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान देना होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है थोड़ी सी भी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। बाकी दोस्तों इसके बारे में कुछ बताऊं आपको, सबसे पहले तो जो एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लगभग मैंने इसको 6 घंटा यूज़ किया है, हालांकि मैं कंटिन्यूस यूज़ नहीं किया है, 6 घंटा लगभग मैंने इसको यूज़ किया है और 2.5 घंटा या 2 घंटा लगभग 20% बैटरी यूज़ हुआ, ठीक है। और 6 mm ड्राइवर है, ये भी एक अच्छी बात है। और बाकी जो एक इसकी अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे जो ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं उनको अगर आप इस तरह से कैरी केस में रख दो के बाद भी अगर इसको बंद करो उसके बावजूद ये मोबाइल से कनेक्ट रहता है, इसके अंदर में ऐसी चीज़ नहीं है। केस के अंदर में जैसे ही आप इसको डालेंगे तुरंत ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
और जैसे ही इसको ऑन करेंगे, खोलेंगे केस को, तुरंत ये पेयर मोड में चला जाएगा। जिस भी डिवाइस से आपने कनेक्ट किया होगा तुरंत उससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, हो सकता है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ये हो। इसका जो ये डिजाइन देख रहे हो आप, जो ये उभार है कानों के अंदर में, इसकी जो फिटिंग आती है ना, आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इसको 5-6 घंटा रेगुलर यूज करने पे भी कानों में दर्द नहीं हुआ। आप इसका जो डिजाइन या शेप देख रहे हो, यहाँ पर ये थोड़ा सा उभार है, जिसकी वजह से ये कानों के अंदर में इसकी जो फिटिंग है ना, बहुत परफेक्ट है। अब हो सकता है कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, कान छोटे बड़े अगर हो। वैसे अगर आपको इसके साथ इसका ईयर टिप्स मिला होगा, उसको बदल के देखें, तो हो सकता है कानों में दर्द ना हो। ये आप जो उभार देख रहे हो, ये कानों में बहुत अच्छा फिटिंग होता है, इतना बढ़िया कंफर्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बाकी यार देखो, खामियां किसमें नहीं होती हैं, कुछ खामियां इसमें भी हैं। सिंगल हैंड से इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और इसको निकालना भी थोड़ा सा ईजी नहीं है, ये लगभग बहुत सारे डिवाइस में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैट फिनिश में नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ड्राई हैंड है तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्लिप करता है।